हाय फ्रेंड्स, नमस्कार, स्वागत है कुंदन टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। तो चलिए आज बात करने वाले हैं, बहुत अच्छा नोटिफिकेशन निकल के आया है भूमि सुधार के तरफ से। तो चलिए यहाँ पर बात करने वाले हैं, देख सकते हैं ये जो नोटिफिकेशन दिया गया है, ये भूमि सुधार भू अभिलेख एवं परिणाम निर्देशालय राजस्व भूमि सुधार विभाग द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं डिजिटलाइज राजस्व मानचित्र को घर बैठे आप कैसे अपने प्रक्रिया करेंगे। तो भूमि सुधार जो है, आप अपने गांव का नक्शा या तो अपने पंचायत का नक्शा या तो अपने जिला का नक्शा आप घर बैठे आप कैसे मंगाएंगे, उसके बारे में हम स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर देख सकते हैं दिया हुआ है यहाँ पर साइट का नाम दिया है dlrs.bihar.gov.in पर जाकर डोर स्टेप डिलीवरी लोगो को क्लिक करेंगे। इस साइड पे आप जाके यहाँ पर सब चीज स्टेप बाय स्टेप बताया जा रहा है, देख सकते हैं dlrs.bihar.gov.in पर जाकर डोर स्टेप डिलीवरी लोगो पर जाके क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अगला स्टेप जो है वो ये निकल के आएगा, देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है जिले के मानचित्र के साथ पेज की बाईं तरफ विकल्प दिखाई गई है, तो वहाँ पर आपका एरो का निशान दिया हुआ होगा इस टाइप का, तो आप वहाँ से आगे की ओर बढ़ेंगे। तो उसके बाद अगला स्टेप देख सकते हैं यहाँ पर खुल के आ जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं अगला स्टेप क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है सबसे पहले आपको एरिया टाइप करना है, उसके बाद मैप टाइप करना है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, उसके बाद तहसील सेलेक्ट करना है, उसके बाद मौजा आपको सेलेक्ट करना है। मौजा सेलेक्ट करने के बाद आपको फिर इधर आ जाना है, यहाँ पर देख सकते हैं, फिर वहाँ से आगे अगला स्टेप पर आएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं अगला स्टेप में मौजा वार्ड एवं आधार पर सर्च करेंगे, मैप को क्लिक करें और मौजा के नक्शा को देख और सीट सेलेक्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पर जैसे ही आपको यहाँ से मौजा सेलेक्ट करेंगे तो आपका यहाँ पर मौजा बाड और आधार पर सर्च करेंगे, वहाँ पर लिखा हुआ रहेगा बाड के आधार पर सर्च करें, तो मैप पर वहाँ पर क्लिक करना है। तो आपने मौजा के नक्शा को आप देख भी सकते हैं, अगर आप अपना घर पर मंगाना चाहते हैं तो आप उस पर सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं एक जिले में किसी भी जिले के एक बार में अगर आप किसी भी जिले का मंगा रहे हैं तो आपको अधिकतम 5 ही सीट को सेलेक्ट किया जाएगा, उससे ज़्यादा आप करिएगा तो नहीं होगा, आप फिर से दोबारा कीजिएगा तभी आप सेलेक्ट कर पाएंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है एक बार में किसी भी जिले के या तो किसी भी मौजा के या तो किसी भी तहसील के अगर आप मंगाना चाहते हैं तो एक बार में आप 5 ही सीट को मंगा सकते हैं। उसके बाद अगला स्टेप देख सकते हैं सीट का नक्शा ऑनलाइन मंगवाने के लिए आपको 285 रुपये का भुगतान करना होगा, इसमें आपका कंटेनर व्यय और डाक शुल्क शामिल दोनों, आपको 285 रुपये से ज़्यादा किसी को पे नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर अब वेबसाइट पर पेमेंट गेटवे दिखाई देगा, इसके बाद आपको डिलीवरी एड्रेस भरकर चेकआउट आपको करना होगा, करने के बाद यहाँ पर पेमेंट का विकल्प पे नाउ पर क्लिक करिए और ऑनलाइन भुगतान किया जा सकता है। यहाँ पर देख सकते हैं आपका जब पेमेंट करेंगे तो सफलतापूर्वक जो कंप्यूटर स्क्रीन पर प्राप्ति रसीद दिखेगी जिसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा क्योंकि आगे दिखाने के लिए काम आएगा। तो चलिए और नीचे देखते हैं, स्क्रॉल करके और नीचे कुछ दिया हुआ है यहाँ पर, अगर आपको कोई शिकायत करना है तो यहाँ पर देख सकते हैं दिया हुआ है राजस्व मानचित्र की डोर स्टेप डिलीवरी से संबंधित सुझाव शिकायत हेतु ईमेल पर इतना 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 जो है यहाँ पर .com पर संपर्क किया जा सकता है। तो आप अगर कोई भी प्रॉब्लम इशू आ रहा है उसमें तो आप इस पर कंप्लेन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें क्योंकि
ऐसे ऐसे नोटिफिकेशन आते रहता है।